राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल कुक विद खुशी में स्वागत है। आज मैं आप सभी को भेज बिरयानी बनाने सिखाऊंगी। फिर एक बाउल में बासमती राइस लेना है और उसमें पानी डाल के उसे भिगो लेना है। मैंने पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। फिर उसमें दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची और बड़ी इलायची डाल देना। फिर उसमें चावल डालना है। देख सकते हैं मैंने सारा चावल डाल दिया और इसे धीरे धीरे चलाते रहना है। 15 से 20 मिनट बाद देख सकते हैं हमारा चावल रेडी हो चुका है। फिर एक कढ़ाई में ऑयल ले लेना है। फिर उसमें प्याज डाल देना है। और इसे चलाते रहना है। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाते रहिएगा। देख सकते हैं हमारा प्याज हो चुका है फ्राई। फिर सारा प्याज को निकाल लेना है। फिर हमें लहसुन और मिर्ची को कूट लेना है। फिर हमें ऑयल में जीरा और लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल देना है। फिर हमें उसमें आलू डालना है और थोड़ा सा चला लेना है। इसके बाद उसमें फूल गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, नमक, हल्दी डाल के अच्छे से मिला लेना है। फिर इसे 5 मिनट के लिए ढक दीजिएगा। फिर 5 मिनट बाद देखिएगा सब्जी का सारा कच्चापन चला गया है। फिर इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी मिर्च, बिरयानी मसाला, मिक्स मसाला, गोल मिर्च पाउडर डाल के इसे अच्छे से चला लीजिएगा। फिर थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिएगा और फिर इसे अच्छे से चला लीजिएगा। फिर उसमें धनिया पत्ता डाल के अच्छे से मिला लीजिएगा। फिर उसमें बना हुआ चावल डाल दीजिएगा। पूरा अच्छे से फैला के डालिएगा। फिर फ्राई किया हुआ ऑनियन, जैसे धनिया पत्ता, फूड कलर, और फिर से सब्जी डाल दीजिएगा। फिर अच्छे से चावल से ढक दीजिएगा। फिर से ऑनियन, धनिया पत्ता, फूड कलर, डाल के इसे आधे घंटे के लिए ढक दीजिएगा। पूरी तरह से कवर कर दीजिएगा। देख सकते हैं हमारा भेज बिरयानी बनके तैयार है।
अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।